नमस्कार, आप सभी का स्वागत है पंजाब केसरी में। मैं हूं आपके साथ अभिषेक राज मिश्रा। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में ट्रिपल मर्डर का मामला सामने आया है। यहां मिर्जापुर और वाराणसी की सीमा पर स्थित चुनार थाना क्षेत्र के नंदोपुर गांव में तीन लोगों के शव मिले हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के मिर्जापुर दौरे से ठीक पहले सामने आई इस वारदात में इलाके में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि एक ही जगह पर तीन लोगों की लाश पड़ी मिली है। तीन शव खून से लथपथ थे। शव के पास से कारतूस के खोखे भी बरामद किए गए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस समय पूर्वांचल के दौरे पर हैं और वे कल मिर्जापुर भी जाएंगे। तीन शव मिलने के बाद से चर्चा का बाजार गर्म हो गया है और लोगों के बीच हड़कंप मचा हुआ है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 13 मार्च को अपने विशेष विमान से वाराणसी एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। यहां उनका स्वागत प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। राष्ट्रपति बनारस रेल इंजन कारखाना के गेस्ट हाउस में ठहरे हुए थे। बनारस पहुंचने के बाद उन्होंने काशी विश्वनाथ और काल भैरव के दर्शन भी किए। उन्होंने दशमेध घाट पर गंगा आरती भी देखी। 14 मार्च से राष्ट्रपति का सोनभद्र और मिर्जापुर के दौरे पर हैं, जिसके तहत सोनभद्र के भवनी ब्लॉक के चपचापकी स्थित सेवा समर्पण संस्थान में आयोजित कार्यक्रम में भी सम्मिलित होंगे। इसके अलावा मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी के दर्शन का भी कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया है। 15 मार्च को राष्ट्रपति एक निजी अखबार के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, उसके बाद दिल्ली के लिए रवाना होंगे। राष्ट्रपति के दौरे से पहले ट्रिपल मर्डर वारदात के सामने आने से प्रशासन के कान खड़े हो गए हैं। इस घटना को लेकर पुलिस जांच करने में जुट गई है, फिलहाल शवों की शिनाख्त करने में जुट गई है। ऐसे देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए पंजाब केसरी में।